अंकिता लोखंडे कर रही है फैमिली वीक का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार। अभिषेक ने की विक्की की तारीफ। सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला गार्डन एरिया में अरुण, अंकिता और विक्की आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर अंकिता कहती हुई नजर आती है कि उन्हें लग रहा है कि फैमिली वीक शायद इस बार आने ही नहीं वाला है। इसी बात को लेकर अंकिता काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। अरुण कहते हुए नजर आते हैं कि आज तो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी घर के अंदर हो सकती है क्योंकि हर मंडे वही होता है। यहाँ पर अंकिता कहती हुई नजर आती है कि मुझे लग रहा है कि फैमिली वीक वेडनेसडे और थर्सडे होने वाला है क्योंकि वही हमारा फ्री दिन होता है, क्योंकि ट्यूसडे को तो होगा सबसे पहले कैप्टेंसी टास्क और फिर वेडनेसडे को राशन टास्क हो सकता है, जिसके बाद में फैमिली आएगी और वेडनेसडे और थर्सडे का पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड करेगी क्योंकि फ्राइडे को वीकेंड की वार की शूटिंग होती है। अंकिता काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है फैमिली वीक के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अरुण भी अपनी फैमिली को याद कर रहे होते हैं और अपनी बेटी को काफी ज्यादा मिस करने की बात करते हैं। अरुण अपनी बेटी की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि ये शो से बाहर जाने के बाद तुरंत वो सबसे पहले अपनी बेटी से ही मिलने वाले हैं। वे यहाँ पर अभिषेक विक्की की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कह रहे होते हैं भले ही विक्की इस शो को जीते या ना जीते, लेकिन सब ये जरूर कहेंगे कि विक्की ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये गेम खेली है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है वो इस शो में और काफी ज्यादा दिमाग के साथ उनने इस गेम को अच्छे तरीके से खेला है, जिस तरीके से वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते। मैं यहाँ पर अभिषेक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे शो के अंदर ऐसा लग रहा है शो के बाहर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। अंकिता भी यहाँ फिर विक्की को टॉन्ट मारती हुई नजर आती है और कहती है कि हाँ ऐसे क्या कहा था बिग बॉस ने, मास्टरमाइंड। अंकिता कहती हुई नजर आती है कि विक्की मास्टरमाइंड है और अब तो वो सच के साथ भी खेल जाता है। आपका विक्की के लिए अभिषेक और अंकिता की कही इस बात पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।